जी हाँ, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को आईटीआई के बाद बैचलर वोकेशनल कोर्स के बारे में बताएंगे। मतलब ये है कि अगर कोई 10वीं के बाद आईटीआई किया हुआ है, 12वीं नहीं किए हुए हैं, तो उस वो लोग कैसे बैचलर वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैचलर डिग्री रहता है तो जनरल ग्रेजुएशन माना जाता है, स्नातक होता है, उससे कई वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भी बैचलर वोकेशनल कोर्स करते हैं तो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है, क्योंकि आज के समय का सबसे नया ट्रेंड का स्किल बेस्ड कोर्स यही है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो आप आईटीआई के बारे में जानते हो कि आईटीआई क्या है? इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल और बेसिक कोर्स होता है जो 2 साल का होता है। उसके बाद जो अगर आप इसको करेंगे तो वो ये इंजीनियरिंग फील्ड का होता है। उसी तरीके से आप बैचलर वोकेशनल का जो स्पेशलाइजेशन होगा वो आपका इंजीनियरिंग फील्ड का ही होगा। जैसे कि बैचलर वोकेशनल का आपका इंजीनियरिंग का होता है, हेल्थ का होता है, मैनेजमेंट का होता है, तो उन सभी में नहीं जा सकते। सिर्फ आपको किस में जाने का है, इंजीनियरिंग फील्ड का जो कोर्स होगा आप उसी में भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे। आप नज़दीक कॉलेज में जाकर के पता कर सकते हैं कि उसे टेक्निकल कोर्स कौन सा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, सिर्फ विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे जिसमें दिया हुआ आईटीआई के बाद अगर हिंदी या इंग्लिश अगर एक सब्जेक्ट पास है तो उसके बाद क्या होगा, वो बैचलर वोकेशनल में कोर्स एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश का क्राइटेरिया है, आगे जो बताएंगे उसमें हिंदी इंग्लिश का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसी में दूसरा कोर्स होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मेट्रॉनिक्स का, प्रोडक्शन एंड टूल्स का, ओके। इसमें भी आप आईटीआई के बाद 10वीं के बाद आईटीआई किए हो, हिंदी इंग्लिश पेपर दे करके, एडिशनल पेपर दे करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रोबोटिक्स की तरफ में है तो उस तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके हरियाणा का सिर्फ विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये डिटेल आप अगर पहली बार जान रहे हैं तो अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें, ताकि फ्यूचर में भी आसानी से ग्रेजुएशन कर सके और जो कि अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके, ठीक है। दूसरा आपको बताते हैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, इंग्लिश हिंदी का कोई चक्कर नहीं, आईटीआई होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कोर्स इसमें कर सकते हैं। देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल स्किल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन सब में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेटल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सब में किसी में भी आप आईटीआई है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज का चक्कर नहीं दिया हुआ, जो स्किल हरियाणा में उसमें है आपको हिंदी इंग्लिश प्लस में पास होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपको बताते हैं, ये आपका वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी है। इस वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी में ये विज्ञापन इसमें दिया हुआ है, जैसे कि आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, या फिर जो कोर्स हो, इस तरीके का भी लोग क्या है, बैचलर वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। बैचलर वोकेशनल कोर्स जो होता है, डिग्री कोर्स होता है, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसी दिया बैचलर वोकेशनल कोर्स दिया हुआ, ठीक है। और प्लस में क्या, अप्रेंटिस अप्रेंटरशिप रहती है, तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को जानने में कि नॉर्मल बीए बीएससी या बीटेक की तरफ जाते हैं तो जल्दी एंट्री आसानी से नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लाएँ, पिछले एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किए हुए थे, इसलिए हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करके बना रहे हैं, ठीक है। फोर्थ आपका है जो यूनिवर्सिटी है, वो आपका गुजरात में टीमलेज यूनिवर्सिटी है। यहाँ सब बीएससी 3 ईयर करके मेट्रॉनिक्स होता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रॉनिक्स कर सकते हैं, इसमें क्या दिया, आईटीआई एंड टेक्निकल ग्राउंड 2 ईयर का होना चाहिए। 10वीं के बाद, 10वीं की पढ़ाई के बाद क्या होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, उसके बाद इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे 4 यूनिवर्सिटी आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। पांचवी आपको बताते हैं, जो यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ में जाएंगे आपको लगभग कई मिलेंगे, लगभग दोनों मिला करके 50 से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे। आप अपने आसपास में जाकर के वहाँ पता करिए कि कौन सा टेक्निकल कोर्स है, उस टेक्निकल कोर्स से आप बैचलर वोकेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है पूरी चीज़ें आप समझ गए होंगे, अब ये डिटेल आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेरीज थे आप लोगों की तो मैंने सोचा बना देता हूँ। ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर में हम उसे भी अपडेट करेंगे, ठीक है। ये डिटेल आप अपने साथियों से जरूर शेयर करें, अपने जो कॉलेज है आपका आईटीआई उस ग्रुप में भी जरूर शेयर करें, ताकि और लोगों को जानकारी मिले कि हाँ आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कोर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई फेसबुक पेज वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका इंटरेस्ट है, आपको कैसा लगा बताइएगा। इसी से जुड़े हुए ऐसे कोई अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, फ्यूचर में और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।